एवरीवन, आज जो है वो हम जा रहे हैं कराची. ऑफिस के जो क्लीग्स हैं उनके साथ सीन बन गया था कि इस वीकेंड को हम जो है कराची अरीना को एक्सप्लोर करेंगे. तो बस अभी हम वहीं जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं हैदराबाद से, और रास्ते में साथ साथ रहेंगे. हम कराची में एंटर हो चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़े बादल भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं. हैदराबाद के हिसाब से तो मुझे मौसम यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बादल शादल दिख रहे हैं और मौसम थोड़ा सा बाहर भी थोड़ा चिल हो रहा है, इतना कि गर्मी दिख नहीं रही है ना महसूस हो रही है. तो आप जा रहे हैं अपने दोस्त की तरफ उसको पिक करने के लिए. कराची में एंटर तो हो ही गए, तकरीबन 20 मिनट हमें यहाँ से लगेंगे उसके पास जाने में. जैसा कि मैंने बताया था भाई, एक दोस्त को उठाना था अपने साथ. ये अमीन, आप पहले भी मिल चुके हैं इनसे, तश्कील पीछे बैठे हुए इनसे भी आप मिल चुके हैं, मतलब सबके चेहरे बाकायदगी से याद होंगे. और बाकी समीर और शहबाज भी बैठे हुए पीछे. तो अब इनके साथ हम इनको लेके जा रहे हैं अरीना. थोड़ा वहाँ आज हम इंजॉय करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और बस साथ साथ रहेंगे. फाइनली तश्कील हम पहुंच गए. फिर फाइनली स्टूडेंट बिरयानी पहुंच गए. बड़ी मुश्किलों से हमें मिला है कराची में और बड़े ट्रैफिक से होते हुए हैं. तो अभी हम डील चेक कर रहे हैं, कोई अच्छी सी डील मिल गया हमें. हम पाँच बंदे. कौन सा डब्बा खोल रहा डील का? डब्बा खोलो. डील का डब्बा कौन सा है भाई? अच्छा भाई, मेन्यू देखा जा रहा है. शक्ल से लग रहा है ये मतलब भूखे प्यासे लग रहे हैं. क्योंकि मैं हैदराबाद से आया हूँ तो आपको पता है वहाँ पे बिरयानी पुलाव बहुत मशहूर है. उस हिसाब से अगर मैं कराची में देखूँ तो कराची में थोड़े एक्सपेंसिव भी रेट के हिसाब से और क्वांटिटी भी उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से जो है हम हैदराबाद में खाते हैं. हैदराबाद में तो काफ़ी मशहूर नाम है, हामिद है और बाकी रावी है और बहुत अकरम है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं. और उनकी बिरयानी बीफ के अंदर भी जो है वो 400 रुपये अभी इस वक्त भी आज की तारीख में 400 रुपये किलो मिल रही है. जबकि यहाँ पर प्लेट कितनी की है जो बीफ की? नहीं, हाँ रेगुलर 250 तो आपकी चिकन में है, लेकिन बीफ में 370 रुपये की है रेगुलर में, और वो हाफ केजी से भी कम है, यानी कि 1.5 पाव है. तो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो टेस्ट के हिसाब से और पैसों के हिसाब से मज़ा नहीं आया. बस स्टूडेंट बिरयानी पे हमने जो है वो लंच कर लिया है. अब लंच करके जो है यहाँ से चलने लगे हैं मरीना पर. तो डिसाइड हो गए हम गेमिंग क्या करने वाले हैं. अभी बैठ के ये डिसाइड कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे कार्ड सिस्टम है और सबको डेबिट मिलता है. हम कार्ड में डेबिट डलवाते हैं कि कौन सा गेम आपको कितना खेलना है, उसके अंदर सारी ऑफर्स जो है वो डली भी होती हैं. तो वो सारा जो है वो हमने कर लिया है डिसाइड. अब कार्ड लेने के बाद फिर अंदर जाते हैं. ये ले कार्ड. Thank you.
तो फाइनली हम अरीना पहुंच चुके हैं, तो हम बॉलिंग एरिया में आ गए हैं और अभी हमारा गेम स्टार्ट होने वाला है। और मैंने अपना नाम जो है वो थोड़ा छुपके से जो है वो तीसरे चौथे नंबर पे लिख दिया है और पहले नंबर पे समीन का लिखा हुआ है, तो समीन गेम स्टार्ट करेंगे। वाह 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 वाह, क्या शॉट है ये शहबाज की, गुड स्ट्राइक, ये अच्छी थी, ये अच्छी थी, नाइस तश्कील, गुड शॉट यार, गुड शॉट, ओह वाओ व्हाट अ गुड शॉट, गुड शॉट, स्नूकर खेलने के बाद जो है हम स्केटिंग की तरफ आ गए। स्नूकर तो खेल लिया मैंने, तो और तश्कील लेना, एक गेम तो मैं हारा हूँ लास्ट बॉल के ऊपर, बाय चांस तश्कील जीत गया, मैंने फाउल कर दिया ब्लैक पर, हम ब्लैक पर आ चुके थे। और अब जो है उसके बाद जो दूसरा गेम हुआ वो टाई हो गया, सिग्नेचर करवाया। अच्छा, स्केटिंग करते हुए इनसे सिग्नेचर करवाया, ओथ लिए बगैर, क्या किया आपने, क्या बोला, आई एम रिस्पांसिबल फॉर ऑल माय एक्शंस एंड ऑल द रिएक्शंस कॉज्ड बाय दोस एक्शंस। ओके, तो बकाल से कभी आ रहा है, ठीक है चलो जाओ, वो आए, गुड लक, गिरते हुए हमारे आते जाओ, ओ भाई देख के देख के देख के देख के, ये हमारे पहले मुजाहिद, दूसरे मुजाहिद, तीन मुजाहिद हैं हमारे पास, इनके पांव देखिए कैसे कांप रहे हैं, ये आगे पीछे नहीं हो पा रहे, अच्छा कर रहे हो तुम लोग, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि हिम्मत देखें हमारे लड़कों की, हिम्मत इतनी है कि हेलमेट के बगैर उतर रहे थे मैदान में ना, और अब मांग रहे बोले कोई हमें हेलमेट ला, हेलमेट पहना के उतरवाया है, स्ट्रगलिंग करते हुए, ये देखिए बच्चे, देखिए बच्चे माशाल्लाह से कितना अच्छा कर रहे हैं, और ये जज्बात में उतरे हुए लोग भाई, स्केटिंग वो जो दो बंदे स्केटिंग कर रहे हैं हमारे, हम वहाँ उनको छोड़कर आ गए, वो देर लगा रहे थे, तो अब हम आ गए इंडोर क्रिकेट के ऊपर, तो अमीन जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, मैं आपको बैटिंग दिखाता हूँ। फुल इंजॉय हो गया है, अब बैठे हुए हैं और अपनी जो है वो कोई कोक इंजॉय कर रहा है, कोई स्प्राइट इंजॉय कर रहा है, कोई अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रहा है इस वक्त, ये देखें आपको दिखाते हैं, ये देखें लाइन से बैठे हुए हम सारे, तो अब थोड़ा सा यार बैठेंगे, थोड़ा बातें वाले करेंगे, फिर एक आध शायद और गेम खेले और फिर रवाना होंगे, मतलब रहेंगे कराची में ही, अभी घर के लिए रवाना, भाई 3 बजे आज हम आए थे दोपहर में यहाँ पर और अब कोई 9:30 बज रहे हैं, बहुत इंजॉय करा है क्योंकि बाय वन गेट वन फ्री चल रहा था, तो हमें बहुत गेम्स में हमें बहुत जो है मदद हो गई, तो पूरा दिन निकल गया आज इंजॉयमेंट में, तो अब यहाँ से जो है हम घर की तरफ जाएंगे अमीन के, इसलिए वहीं करेंगे आज हम, और फिर कल सुबह जो है देखते जा करेंगे। रात को जो है काफ़ी थक के हम सो गए थे, तो बस अभी सुबह हुई है, हम उठे हैं और अब सीन कुछ ऐसा है कि अब हम यहाँ से कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए जा रहे हैं, अब कोई मल्टीपल मतलब चॉइसेस हैं किसी की, कोई कह रहा है कि पराठे ही खाते हैं, देसी पे जाते हैं, कोई कुछ कह रहा है, तो लेट्स सी अब क्या डिसाइड होता है। बहरहाल अब हम यहाँ से मूव कर रहे हैं और नाश्ता करने के बाद जो है हम हैदराबाद के लिए निकल जाएंगे।
वापस हैदराबाद के लिए जाने लगे, अपने दोस्त को भी ड्रॉप कर दिया है। बस आज के दिन जो है हमने सफ़र में ही गुजारना है घर जाने के लिए, और काफ़ी इन्जॉयमेंट हो गई है। अब इंशाल्लाह जो है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, इसको यहीं तरह।